ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है कृषि अवसंरचना निधि और कृषि कल्याण के अन्य पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर तजामुल हक और पत्रकार संजीव मुखर्जी। भक्त साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। कल सरकार ने जो कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, जो सरकार कह रही है कि मूलभूत अधोसंरचना जो है किसानों के लिए खेतों में, उसको एस्टैब्लिश करने में या उसको बनाने में उपयोगी होगी, इस फंड को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसकी चर्चा पहले से ही थी, बजट में भी इसका प्रावधान था, प्रावधान इन द सेंस की मेंशन किया गया था, लेकिन लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा था कि कोई ऐसा डेडिकेटेड फंड नहीं है जिसके चलते कहा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सचमुच लोग खर्च करेंगे। ये कैबिनेट डिसीजन यही दिखाता है कि कम से कम गवर्नमेंट कमिटेड है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। खासकर आप जैसे जानते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो कमी है वो एक बहुत बड़ी कमी रही है, जिसके चलते एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। खास करके फ्यूचर में अगर आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आपने देखा होगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं बहुत सारे कम्युनिटीज में, और उस कम्युनिटीज में इतना लॉस हो जाता है कि कोई भी अगर उसमें बिजनेस करना चाहे, चाहे एफपीओ हो चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, तो वो इस तरह का चैलेंज को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं और इधर उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका नुकसान हो जाता खरीदने के बाद। कहा गया है कि इस तरह का जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स का मतलब, चाहे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हो, चाहे एफपीओज हो, इस तरह का कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनको किसी का फॉर्मल क्रेडिट का सुविधा मिलेगा। फॉर्मल क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि 1,00,000 रुपया का जो है, इस साल आपने देखा होगा कि 10,000 करोड़ रुपया का रखा, फिर कहा कि अगले 3 साल में 30,000-30,000 करके ये पूरा अमाउंट खर्च होगा। तो एक क्लियर कट डायरेक्शन है कि इस तरह से हम खर्च करेंगे और किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर्स इसके लिए एलिजिबल होगा। और ये अगर सचमुच होता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट जो है ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में, और उसकी जरूरत है। आपने देखा होगा अभी चाहे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, चाहे पावर हो, चाहे वेयर हाउस हो, चाहे कोल्ड चेन सिस्टम हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारे फैसिलिटी जब तक प्रॉपर वे में नहीं होगा तो हमने बिजनेस को शुरू कर दिया आपसे लोन लेके और फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता, फिर कहते कोई भी हमारा स्टार्टअप सारे बंद हो गए। और खास करके जब हम एफपीओज को डेवलप करने की बात करते हैं कि अगले सालों में 10,000 एफपीओज होंगे, 1,000 स्टार्टअप वगैरह को हम बढ़ावा देंगे, जो इनोवेटर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो क्रेडिट फैसिलिटीज रुके ना रहे हैं, और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए उनको। अब जैसे 2 करोड़ अगर का प्रोविजन रखा है, दिस इज ए गुड इनिशिएटिव ऑन द होल आई शुड से, और दिस विल हेल्प। कई लोग कह रहे हैं कि जो इस स्कीम में रखा गया है कि अगर आपको 2 करोड़ तक का जो कर्ज है वो सरकार आपके लिए फैसिलिटेट करवा देगी, उसमें आपको 3% की जो या 4% की जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो सरकार देगी आपके तरफ से, ताकि आप सस्ते दरों पे लोन ले सके और इस लोन के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गई, पैक हाउसेज हो गई, या रीपर वैन्स हो गई, या छोटी छोटी वेयर हाउसेज हो गई, या गोडाउन हो गई, ये आप फार्म गेट लेवल पे या जैसे खेतों के पास आप बना सकते हैं। इसमें एक चीज हफ्ता आपसे जानना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब अगले 10 साल तक आपको मिलेगा, 10 साल इसमें शायद जो मैं कहीं पढ़ा भी है इसमें ये है कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक का लोन मोराटोरियम भी रहेगा। अगर जो इन्वेस्टर है या जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति है और ये संस्थान है, वो अगर चाहे तो इस टाइम तक लोन न भी चुका सकती है। एक चीज जो आपसे मैं जानना चाहूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, वो ये है कि इस जो स्कीम का एक जो बहुत बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो कह रहे हैं कि जो इससे पहले लाई गई 3 ऑर्डिनेंसेज हैं, ऑर्डिनेंसेज जो सरकार अभी लाई है खेती किसानी के लिए, पहली जो एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग को फ्री करने वाली है, जो अलाउ करने वाली है जिससे आप इंटर स्टेट ट्रेड कर पाए, दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो इन्होंने चेंज की जिससे आप कुछ चीजों को इन्होंने परमानेंटली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर निकाल दिया, तीसरी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस स्कीम का उन 3 जो ऑर्डिनेंसेज हैं वो किस तरह की एनवायरमेंट या किस तरह का तालमेल आप इन दोनों चीजों में देखते हैं? एक तरफ ऑर्डिनेंसेज है, एक तरफ ये स्कीम है 1,00,000 करोड़ वाली। मेरे हिसाब से दोनों साथ साथ चलना चाहिए। दोनों साथ साथ नहीं होने से क्या होगा, एक भी चीज की कोई कमी होती है, और खास करके जो अभी का डिसीजन है कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करके इंफ्रास्ट्रक्चर स्मॉल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है, फार्म गेट लेवल पे चाहे एफपीओज के लिए हो चाहे स्टार्टअप्स के लिए हो, काम तभी होगा कि जब उनको दूसरे तरह का भी सपोर्ट मिले, मार्केटिंग सपोर्ट, खास करके आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू से हो, चाहे आपको एपीएमसी रिफॉर्म्स के द्वारा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी काफी आए, और फिर खास करके फैसिलिटीज वगैरह है
कुछ तो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया ही है, जैसे इनाम के तहत भी आपने देखा होगा ऑलरेडी 585 मार्केट्स को इंटीग्रेट किया गया है, चाहे सिलेक्टेड कमोडिटीज में हो। लेकिन हम अभी सोच रहे हैं, आगे का विजन ये है कि हर एक कमोडिटी इस तरह का फैसिलिटीज क्रिएट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मार्केटिंग की फैसिलिटीज हो, या रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो एक वेग वे में ना करें, बल्कि कमोडिटी स्पेसिफिक हो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम जनरल वे में कह देते कि वो एपीएमसी से बाहर है, उसमें कौन कौन सा की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है इसको आइडेंटिफाई करके फोकस करके उसको किया जाए, जिसमें कोई लोकल लेवल पे रिटेलर्स को प्रॉब्लम हो और ना सेलर्स को प्रॉब्लम हो और ना मंडी का फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम हो। तो बेसिकली ये है कि कॉम्पिटेटिव फ्रेम में मार्केट डेवलप हो, लेकिन ऐसा ना हो कि खाली आपने एपीएमसी रिफॉर्म्स की बात तो कर दी और इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं होता। आपको एक एग्जाम्पल, आप जानते हैं बड़ा वरिष्ठ पत्रकार में से हैं, अब जैसे बिहार का देखिए, बिहार में कोई एपीएमसी एक्ट बोलकर कोई चीज ही नहीं है, जो सोसाइटी जो अगर थे भी मार्केटिंग सोसाइटी जिसको भी उन्होंने हटा दिया, एबोलिश कर दिया, उसके बाद अभी केओस है, कोई मार्केट ही नहीं है। तो कहने का मतलब मार्केट है, स्टोरेज फैसिलिटीज है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होगा या कुल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कितना भी आपके पास पोटेंशियल हो उसका डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। लीची, मैंगो, ये सबका कितना ह्यूज पोटेंशियल है डोमेस्टिक मार्केट में बेचने का भी और इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोर्ट के लिए भी, लेकिन बिहार उसको कैप्चर क्यों नहीं कर पाता, बेसिकली उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है। ये नहीं कि खाली मार्केटिंग रिफॉर्म की बात है, इसमें बेसिकली कि इस तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ये भी बात है कि मार्केटिंग रिफॉर्म्स होने से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी, तो उसका भी एक पोटेंशियल एक हिसाब से इंटरलिंक्ड है, लेकिन मैं इसको ज्यादा महत्व देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। अभी का डिसीजन हुआ उसको, क्योंकि स्मॉल स्केल में भी छोटे छोटे एफपीओज की बात, अच्छा देखिए आपको मैं पहले भी शायद कभी दिखा होगा कि एफपीओज का मतलब इंडिया में ये है कि छोटे छोटे किसान जो है अपने आप में वायबल नहीं है, उनकी बार्गेनिंग पावर भी नहीं है, और मार्केट लेड जिस ग्रोथ की हम बात करते हैं, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट, उसका वो फायदा नहीं उठा सकते इंडिविजुअली, तो इसीलिए हम एफपीएच को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एफपीएच को प्रमोट जब आप करेंगे तो उनको बेसिक टेक्निकल सपोर्ट है, क्रेडिट सपोर्ट है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फैसिलिटेशन का जो आया कि किसी भी एग्रो प्रोसेसिंग से कंपनी से या इंटरनेशनल कंपनी से एग्री एक्सपोर्टर से वो अपने को लिंक करके अपना उसका फायदा उठा सकता है, तो वो तब तक नहीं हो पाएगा रिफॉर्म्स भी साथ साथ हो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, जो कि बेसिक चीज है उनके ग्रोथ के लिए। आपका कहने का मतलब ये रिफॉर्म और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो पुश है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं है। एक आप करेंगे दूसरा नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं कहीं से सुनने में ये भी आता है कि जो एक कोल्ड स्टोरेज या एक वेयरहाउस अगर आप लगाते हैं तो आपको 7 से 8 साल के बाद ही आपको उसका जस्टेशन पीरियड होता है, आपको इमीडिएटली उसमें रिटर्न नहीं आ सकते। और अगर आप उसमें सामान रखने की आपके पास, अगर जैसे स्टॉक होल्डिंग लिमिट को सरकार ने अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से कई चीजों को बाहर निकाल दिया है, उसकी एक धारणा शायद ये भी है कि अगर किसी के पास ये फ्रीडम रहेगी कि वो जितना होल्ड कर सकता है तो वो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा। अगर होल्डिंग के बाद भी उसके बाद बार बार उस पर लिमिट लगाई जाए और सामान निकाल दिया जाए उसको, तो वैसे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इसमें नहीं आएगा। हद तक एक चीज और आपसे इसमें जानना चाहूंगा कि वेस्टेज के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं, वेस्टेज हमारे यहाँ पे कई चीजों में बहुत ज्यादा होती है, कहते 20-25% तक भी होती है किसी किसी क्रॉप में। वेस्टेज को रोकने का एक तरीका तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन है, वेस्टेज का हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? क्योंकि जैसे हम आज देख रहे हैं कि जितने हमारे पास अब जो समस्याएं आई है वो बेसिकली हमारी सप्लाई चेन बड़ी वीक रही है। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि एक जगह कहीं पे माल रुका तो पूरा सिस्टम वहां पे वो आ गया। हम इसको कैसे आगे शेड्यूल कर सकते हैं, कैसे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं? इसके टेक्नोलॉजी भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। टेक्नोलॉजी इन द सेंस आप क्या, अगर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर में, खास करके पेरिसेबल कॉमोडिटीज ज्यादा रहता, उसका अगर सेल्फ लाइफ आप बढ़ा दें, टेक्निकली ऐसी वेराइटीज करे उसमें जीन ऐसा हो कि आपका वो प्रॉब्लम ना रहे पेरिसेबिलिटी वाला। टोमेटो आप है भी कुछ हुआ भी, आप देखिए कि एक टाइम में टोमेटो 2-3 दिन में खराब हो जाता था, आप टोमेटो 15 दिन तक भी आप रख सकते हैं फ्रिज में, तो आप आराम से रख सकते हैं, और ऐसे भी एक एक हफ्ता तक बाहर भी आप रख सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप ऐसी वेराइटीज डेवलप करेंगे तो सेल्फ लाइफ बढ़े, तो वो एक रिसर्च और पेंशन सिस्टम हमारा जो है उसका रोल रहता है, आईसीआर का या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसको करता हूँ, तो एक तो वो रोल है। दूसरा है कि
इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है या कोल्ड चेन फैसिलिटीज है तो उसके द्वारा भी आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। योजना में भी रखा गया कि लोकल लेवल पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसके लिए भी क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। तो वो अगर कोई एग्री एंटरप्रेन्योर इस तरह का आता है, एग्री एक्सपोर्टर इस तरह का कुछ करता है इन्वेस्टमेंट, तो उनको इन चीजों में सुविधा मिलेगी और इसकी जरूरत है। तीसरी बात, आपने और भी देखा होगा कि हम खास करके इस तरह का कमोडिटीज के लिए क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे लार्ज स्केल का प्रोडक्शन ना हो और छोटे छोटे स्केल में प्रोडक्शन हो तो कोई भी उस तरह का बड़ा इन्वेस्टर या एक्सपोर्टर या मार्केटियर्स वो नहीं आते वहाँ तरह से प्रोक्योर करने के लिए या उसको लोकल लेवल पे फिर फर्दर प्रोसेस करे या फिर एक्सपोर्ट करे, उसके लिए नहीं आते। तो इसके लिए भी वो जरूरी है कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो और इस तरह का क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो। बहुत सारी चीजें हैं जो उसको करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करके और आपका इंस्टीट्यूशन को लेवरेज करके, एफपीओ वगैरह जैसा भी चल रहा है, और इसी तरह से पॉलिसीज भी हो। पॉलिसीज के सेंस अगर ये नहीं कि आप हर साल कई चीजों का एक्सपोर्ट तो करते ही है, लेकिन आप फिर क्या करते हैं कि जब मन हो गया आपने एक्सपोर्ट रोक दिया, जब मन हो गया अपर लिमिट लगा दिया कि मिनिमम प्राइस होगा या मैक्सिमम प्राइस होगा। इस तरह का इंटरफेरेंस अगर कम हो तो कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए सेक्टर में प्लान करना आसान होता है और आगे मार्केट ढूंढ के कुछ काम करना आसान होता है। नहीं तो लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेते, उनके पास आज के दिन में इस तरह का एडहॉक पॉलिसीज के चलते कई बार एंटरप्रेन्योर्स अपना डिसीजन नहीं ले पाते, राइट टाइप ऑफ डिसीजन जो एक्सपोर्ट प्रमोशन में उनको हेल्प करे। तो ये सारे बातें मैंने कह रहा कि सारे लिंक है, एक इंटीग्रेटेड वे में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म, ये चारों को एक साथ जोड़ के एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ा सकते हैं और खास करके जो एग्रीकल्चर का फ्यूचर है प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट सेक्टर उसको आप डेवलप कर सकते हैं और फार्मर्स का इनकम भी आप बढ़ा सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही अख्ताब कि हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी फील्ड को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, चाहे वो पॉलिसी हो, एक्सपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और प्रोसेसिंग हो, और इन सारे चीजों को हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। हमारी जो फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक की जो सेक्टर है, अलाइड सेक्टर हम कहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी जाती है। हमारे पास जो फिशरीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत रूडिमेंट्री है, जो पुरानी है, बहुत कन्वेंशनल है, इसीलिए हमारे कई तरह के जो वैराइटीज हैं वो कभी बाहर जा ही नहीं पाते। उसमें भी क्या आप देखते हैं कि इस तरह का ये जो फंड आया है वो एक कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा छोटे छोटे लेवल पे मछुआरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए? बिल्कुल, फिशरीज का ह्यूज पोटेंशियल है। आप कहीं भी चले जाइए, बिहार में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, फिशरीज सेक्टर अभी ह्यूजली अंडर डेवलप्ड है और उनका जो गैप है, खास करके प्रोडक्टिविटी गैप या इनकम गैप बहुत ज्यादा है, और उसका मेन कारण है अगेन इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, वो भी हाईली पेरिसेबल्स है। और कुछ ऐसे अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ खास करके स्टैंडर्ड क्वालिटी नॉर्म्स भी है, तो उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो तभी कर पाएंगे एक इंडिविजुअल फिशरमैन, तो उसको नहीं कर पाएंगे, या तो एज ए ग्रुप करेंगे जिसको प्रमोट करने का भी उस पर भी प्रोविजन है, जिस ढंग से होना चाहिए, तो फिशरमैन कॉपरेट्स वगैरह कई बार एसोसिएशन के फॉर्म में काम करने लगे। बेसिकली आइडिया ये है कि उनको ऑर्गेनाइज वे में फंड दें और वो कैसे टेक्नोलॉजी को, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसका बेनिफिट उठा सके। खास करके एक ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है फिशरीज, तो उसको भी अगर आपको करना है तो क्वालिटी वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजिकली भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसकी सेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे चीजों को आप जानते हैं कि आंसर दे देता है, तो हम उस फील्ड में बहुत ज्यादा काम कर नहीं पाए, उसके काम करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी तो कई साल से कह ही रहे कि हम ब्लू रिवोल्यूशन लाएंगे, और उसके लिए अभी कई चीजें आपने देखा होगा कि फिशरीज फार्मर्स के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का प्रावधान रखा, फिर क्रेडिट फैसिलिटीज उसमें बढ़ाने की बात की, एक्सटेंशन सिस्टम को अलग करने की बात की, तो अभी फिशरीज सेक्टर में भी एक्सटेंशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि अलग से डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होगा फिशरीज का, तो शायद हम कुछ इश्यूज को डायरेक्टली उस पर एड्रेस कर सकते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फिशरीज सेक्टर, फिशरीज डिपार्टमेंट जो है अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक सेक्शन बन के नहीं रह गया, बल्कि एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। तो बहुत सारी चीजें अभी कई सालों में हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि वो एक इंटीग्रेटेड वे में सबको देखना है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें, इंस्टीट्यूशन अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन हो जो कि स्मॉल फिशरमैन है या स्मॉल फार्मर्स है उसके लिए सुइटेबल हो, और फिर उनको हम कैसे नेशनल इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करें या एग्रो प्रोसेसर से, एक्सपोर्टर से लिंक करें और उनका बेनिफिट दें। तो ये सारे बातों को जब एक ढंग से होलिस्टिकली या इंटीग्रेटेड वे में देखेंगे और उसके लिए प्रयास होगा डेवलपमेंट का, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।
कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि अवसंरचना निधि और कृषि कल्याण के अन्य पहलुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉ तजामुल हक और पत्रकार संजीव मुखर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।